नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। बिग बॉस 17 के हर वीकेंड का वार में कोई ना कोई सलमान खान के गुस्से का शिकार होता है। कंटेस्टेंट्स के आपसी झगड़े और पूरे हफ्ते किए गए बर्ताव का जवाब उन्हें वीकेंड का वार में देना होता है। इस बार मुनव्वर फारूकी और आयशा खान सलमान के निशाने पर हैं। इस वीकेंड का वार में ऑडियंस को होस्ट सलमान का इन दो कंटेस्टेंट के लिए खूंखार रूप देखने को मिल सकता है। अपकमिंग एपिसोड में काफी ड्रामा होते देखने को मिलेगा। जारी किए गए प्रोमो में सलमान खान काफी गुस्से में देखे जा सकते हैं। वो आयशा खान से शो में आने का मकसद पूछते हैं। इस पर वो ऐसा जवाब देती हैं जिसे सुन सलमान खान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो मुनव्वर और आयशा की ऐसी क्लास लगाते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। प्रोमो में दिखाया जाता है कि सलमान आयशा से पूछते हैं मकसद क्या है इस शो में आने का। जवाब में आयशा बोलती हैं कि उन्हें मुनव्वर से माफी चाहिए। ये सुनते ही सलमान गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, माफी आपको नेशनल टेलीविजन पर चाहिए थी। झगड़े हर किसी के बीच में होते हैं यार, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर आकर एक शो में नहीं होते मुनव्वर। स्टैंड अप कॉमेडियन में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो आप यार, यहाँ पर बोला नहीं जा रहा आपसे। सलमान यही नहीं रुकते, वो मुनव्वर और आयशा के रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। सलमान कहते हैं, जिस तरह आपका रिश्ता दिख रहा है वो नाराजगी वाला रिश्ता दिख ही नहीं रहा, ये क्या गेम चल रहा है यार। सलमान खान की डांट से आयशा खान बुरी तरह टूट जाती हैं। वो अंकिता के सामने बिलखते हुए अपनी सफाई कहती हैं कि मैंने इसके लिए नहीं किया। इसके बाद आयशा मुनव्वर पर अपना सारा गुस्सा निकालती हैं। वो रोते हुए मुनव्वर के पास जाती हैं और कहती हैं, शक्ल मत दिखाना मुनव्वर अपनी, आज के बाद जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाना। बताया जा रहा है कि वीकेंड का वार में आयशा बेहोश हो गई। मेडिकल इमरजेंसी के कारण उन्होंने शो को बीच में छोड़ा। हालांकि ऐसी चर्चा है कि आयशा ठीक होते ही वापस भी आ जाएंगी, वो सिर्फ मेडिकल टर्म्स पर बाहर गई हैं।